बच्चों के अधिकार के लिए अपनी जिंदगी लगा देने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा है कि विमुद्रीकरण से देश में मानव तस्करी के बड़े कारोबार की रीढ़ तोड़कर रख दी है। इस साहसिक फैसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण का जो असर है वो हमें दिखाई दिया है काउंटरफीट करेंसीज पे, टेररिस्ट फंडिंग पे जो नक्सलवाद को फंडिंग की जाती है उस पे, और एक बड़ी इंडस्ट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। क्या कुछ असर पड़ा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री पे, समझने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश सत्यार्थी जी, एक जाना माना नाम जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो डिमोनेटाइजेशन का असर इस इंडस्ट्री पे है, थोड़ा सा हमें समझाएं किस तरह से ट्रेंड आपको नज़र आया बीते दिनों में। मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग, बाल मजदूरी, बच्चों की गुलामी वगैरह से जो एक भी रुपया कमाया जाता है वो सारा का सारा काला धन है। कहीं कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन बैंकों के जरिए नहीं होता है। ये नोटबंदी या विमुद्रीकरण जब से हुआ है तब से हमने महसूस किया है कि जिन इलाकों से बड़ी मात्रा में ट्रैफिकिंग हो रही थी, असम से और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों से, उड़ीसा से, बिहार के कुछ इलाकों से, सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा, मधुबनी वगैरह से, वहाँ के रेलवे स्टेशनों पर अक्सर दलाल लोग बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को लेकर आते थे, वो संख्या अभी नज़र नहीं आ रही है या नगण्य है वो। तो इसका असर साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस विमुद्रीकरण ने इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है देश के अंदर उसकी एक रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। इस मुद्दे पर चूँकि आपने प्रधानमंत्री जी से भी बात की, आपने उनसे क्या सिफारिश की कि इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से और क्या कदम आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं? मैंने तो उनको ये बताया कि किस तरीके से ये जो छुपा हुआ काले धन का जरिया है, जो काले धन की बहुत बड़ी खदान है ट्रैफिकिंग, उस पर प्रहार हुआ है। लेकिन उस प्रहार को निरंतर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उस सोर्स को, उस स्रोत को भी रोकें जहाँ से ये चल रहा है, अन्यथा ये लोग फिर से काला धन पैदा कर लेंगे, नए नोटों में कर लेंगे या बिना नोटों के भी कर लेंगे। तो अपराध पर अंकुश, काले धन पर अंकुश और भ्रष्टाचार पर अंकुश साथ साथ लगाए जाने की ज़रूरत है, और सरकार अकेली इसको कर भी नहीं सकती है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये पूरे देश का, पूरी जनता का सामाजिक दायित्व है कि इन बुराइयों से निजात पाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि ये जो कहा जा रहा है कि 18 से 20 अरब डॉलर की जो इंडस्ट्री है उस पर ज़रूर नोटबंदी से एक गहरा असर पड़ा है, एक बड़ा असर पड़ा है। कैमरामैन योगेश के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।